जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, आर्मी एयर डिफेंस सेंटर में भर्ती निकाली गई है। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आवेदन कर पाएंगे या 12वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, कुक की पोस्ट निकाली गई है, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट निकाली गई है, एमटीएस की पोस्ट निकाली गई है और वाशरमैन यानी धोबी की भी पोस्ट यहाँ निकाली गई है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको इन पोस्टों के लिए आवेदन ऑफलाइन करना पड़ेगा, यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको डॉक्यूमेंट्स सेंड करना है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ सेंड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सेंड करना है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फ्लेवर्स क्या रहेगा, आपको वेतन कितना दिया जाएगा, एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है और किस पोस्ट में कितनी यहाँ पोस्ट निकाली गई हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं, आर्मी एयर डिफेंस सेंटर में भर्ती निकाली गई है। ओके, टोटल यहां 13 पोस्ट निकाली गई हैं, 13 पोस्ट निकाली गई हैं। आप आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, 3 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2022 तक आप कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि यदि आप मान लीजिए कि 15-16 को आवेदन किए तो आपके डॉक्यूमेंट सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। तो जितना जल्दी हो सके आपको यहां आवेदन कर देना है। इसके बाद उम्र की अगर बात करें तो 18 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट यहां आवेदन कर पाएंगे और आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 वर्ष की आपको उम्र में छूट मिल जाएगी और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में यहाँ छूट मिल जाएगी। बात हुई क्लियर। इसके बाद आपकी फीस 1 रुपए नहीं लगेगी, आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। हमारी पहली पोस्ट जो निकाली गई है दोस्तों कुक की है, जनरल कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। अब देखिए, जनरल कैटेगरी भर के लिए कुक की पोस्ट निकाली गई है, लेकिन इसमें ओबीसी वाले भी आवेदन करते हैं कर सकते हैं और एससी एसटी वाले भी आवेदन कर सकते हैं, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। वेतन कितना दिया जाएगा, 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए तक आपको पर मंथ वेतन दिया जाएगा। 10वीं पास है और कुक का नॉलेज है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको कुक का नॉलेज नहीं है तो पर में भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पास थोड़ा कुक का तो नॉलेज होना चाहिए यदि आप कुक की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो, है ना। तो 10वीं पास है और कुक का नॉलेज है आपके पास, खाना बनाने का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट निकाली गई है, यानी एलडीसी की पोस्ट निकाली गई है। देखिए, इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट हैं और एससी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आवेदन कर सकते हैं, इसमें ओबीसी वाले भी आवेदन कर सकते हैं और एसटी वाले भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, सभी कैटेगरी के इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए तक आपको पर मंथ वेतन यहाँ पास दिया जाएगा। और देखिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए एजुकेशन क्या मांगा गया है, 12वीं पास होना चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ होगी, टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा। तो इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड जो है तो 35 वर्ड पर मिनट यानी 35 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, या हिंदी में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो या तो आप इंग्लिश में दे दीजिए या तो हिंदी में, ठीक है, दोनों इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, है ना, दोनों बनती हैं तो उससे अच्छा क्या है, है ना। यहाँ पास एक में ही देना है, यदि आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में चाहें तो हिंदी में दे सकते हैं टाइपिंग स्पीड, ठीक है। इसके बाद देखिए, एमटीएस की भी पोस्ट यहाँ निकाली गई है। एमटीएस की पोस्ट के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है, सफाई वाला, संदेशवाहक की भी यहाँ पोस्ट निकाली गई है। संदेशवाहक काम क्या करते हैं, देखिए, फाइल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, फाइल का मेंटेनेंस करते हैं, यही सब काम रहता है संदेशवाहक का, है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैसेंजर। चौकीदार की भी पोस्ट निकाली गई है और दफ्तरी की, कितनी पोस्ट निकाली गई है एमटीएस के अंदर। तो देखिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 6 पोस्ट हैं, ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 1 है और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है, यानी टोटल 8 पोस्ट निकाली गई है एमटीएस के अंदर। अब देखिए, इसमें एससी कैटेगरी के लिए नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ आवेदन कर पाएंगे।
18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए आपको पर मंथ वेतन दिया जाएगा। और दसवीं पास है यदि आप, केवल और केवल दसवीं पास है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद वाचरमैन की पोस्ट निकाली गई है, यानी धोबी की। जनरल कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है और यहाँ पास एससी एसटी ओबीसी के लिए नहीं पोस्ट है, लेकिन वो भी आवेदन कर सकते हैं। 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए तक आपको पर मंथ वेतन दिया जाएगा। दसवीं पास है और कपड़े धोते बनना चाहिए, ठीक है, तभी ना आप वाचरमैन की पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे, है ना। तो कपड़े धोते बनना चाहिए, आजकल सभी से कपड़े धोते बनता है ना। और यहाँ आपके द्वारा सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ये है कि क्या हम एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको लोअर डिवीजन क्लर्क, एमटीएस और वाचरमैन सभी की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इन सभी के एग्जाम जो है एक ही दिन लिए जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको एक ही पोस्ट का यहाँ पास पेपर देने को मिले, है ना, तो बेमतलब को कहे आप परेशान हो रहे हैं। इसके बाद ये इतना क्लियर हो गया है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपका पेपर होगा और स्किल टेस्ट होगा। जैसे स्किल टेस्ट किसमें होगा, लोअर डिवीजन क्लर्क में स्किल टेस्ट होगा, मतलब कि टाइपिंग टेस्ट होगा, है ना, ये सभी के लिए नहीं है। आपका पेपर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। स्किल टेस्ट जो है तो केवल और केवल किसका लिया जाएगा, लोअर डिवीजन क्लर्क का, एलडीसी का। तो देखिए सिलेबस आपका क्या क्या है, रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे और जीके से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए। और अब देखिए, आपको इस पते पर अपने डॉक्यूमेंट सेंड करना है, द कॉमनडेंट आर्मी एडी सेंटर गंजम ओडिशा, पिन नंबर इतना है 76-10-52। इस एड्रेस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करना है, ओके। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सेंड करना है, ऑफलाइन फॉर्म आपको सेंड करना है। हाँ, ऑफलाइन फॉर्म में एक एडमिट कार्ड वाला भी, कॉल लेटर वाला भी फॉर्म होगा, उसको भी आपको सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऑफलाइन फॉर्म सेंड करना है भर करके, और उसके साथ दो फोटो आपको भेजना है, ठीक है, दो फोटो आपको एक्स्ट्रा भेजना है, और एक फोटो आपके एडमिट कार्ड का लेटर वाले में चिपकाना है, और एक किसमें चिपकाना है, मेन वाले में चिपकाना है। तो दो फोटो चिपका देना है और दो फोटो क्या करना है, भेजना है। दसवीं की मार्कशीट आपको, दसवीं की मार्कशीट की फोटो कॉपी आपको भेजना पड़ेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पास एमटीएस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो दसवीं पास मांगा गया है ना, तो दसवीं क्लास की मार्कशीट आपको भेजना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पास लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उनसे, उनको दसवीं और बारहवीं दोनों की मार्कशीट भेजना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी भेजना पड़ेगा। यदि आपके पास है तो भेज दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, है ना, आपको उसका अतिरिक्त नंबर ही मिलेगा, फायदा ही कहीं ना कहीं मिलेगा। तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप जरूर भेजिएगा, ओके, जरूरी नहीं है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है और उसकी भी फोटोकॉपी आपको भेजना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको भेजना है, उसकी फोटोकॉपी, और जन्म प्रमाण पत्र यानी डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट होता है ना, उसको भी आपको भेजना है। चरित्र प्रमाण पत्र आपको यानी करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको भेजना है। सरपंच के द्वारा आप, जो सरपंच के द्वारा बनाया जाता है उसको आप भेज सकते हैं, या किसी गजेटेड ऑफिसर की उसमें साइन होना चाहिए। जैसे स्कूल के, स्कूल से जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा ना, वो भी चल जाएगा, ठीक है, तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना। और हाँ, यहाँ पास ध्यान में रखिएगा, 25 रुपए का पोस्टल स्टाम्प आपको लगाना है। देखिए आपको क्या करना है, बाजार जाकर दो लिफाफा आपको खरीदना है, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है। तो इसमें भी 25 रुपए का पोस्टल स्टाम्प चिपका देना है और इसमें भी 25 रुपए का पोस्टल स्टाम्प चिपका देना है। बड़े वाले में आपको यहाँ पास कौन सा एड्रेस डालना है, ये वाला एड्रेस डालना है, और इस कोने में आपको अपने घर का एड्रेस डालना है। छोटे वाले में आपको अपने घर का एड्रेस डालना है, ठीक है, अपने घर का एड्रेस डालना है छोटे वाले लिफाफे में, ठीक है, और टिकट चिपका देना है। और बड़े वाले लिफाफे में यहाँ टॉप पर आपको क्या लिखना है कि किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, वो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया, दो लिफाफा आप खरीद लीजिएगा।
छोटे वाले लिफाफे में ये लोग क्या करेंगे, आपका एडमिट कार्ड भेजेंगे, है ना। तो छोटे दो लिफाफा आपको जरूर भेजना है, 25 रुपए का पोस्टल स्टाम्प आपको लगा करके। अब पोस्टल स्टाम्प क्या होता है, तो देखिए आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो वहां से आपको पोस्टल स्टाम्प मिल जाएगा। आप वहां जाकर बोल दीजिएगा, जो आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस है तो वहां जाकर बोल दीजिए कि हमें 25 रुपए की टिकट चाहिए या पोस्टल स्टैंप चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। ये बाजार में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस मिलेगा। आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको भेजना है या पैन कार्ड की आपको फोटोकॉपी भेजना है। अब देखिए बहुत सारे लोग जो हैं तो स्पीड पोस्ट करेंगे, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करना है दोस्तों। आपको ओनली और ओनली रजिस्टर्ड पोस्ट करना है और या ऑर्डिनरी पोस्ट करना है, ठीक है, स्पीड पोस्ट नहीं करना है। नोटिफिकेशन में लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा कि आपको स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। तो आपको या तो रजिस्टर्ड पोस्ट करना है या तो ऑर्डिनरी पोस्ट करना है, और आपको जो एक ऑफलाइन फॉर्म है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। और यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।